इंदौर की सेंट्रल जेल अधीक्षक ने एक नई पहल करते हुए सजा यक्ता कैदियों के लिए श्राद्ध पक्ष को याद रखते हुए सेंट्रल जेल में श्राद्ध तर्पण का आयोजन करवा रही है। जेल में बंद कैदियों ने अपने पितरों को याद करते हुए उनका तर्पण और श्राद्ध किया। ऐसा आयोजन इंदौर की सेंट्रल जेल में पहली बार हुआ है। इस दौरान करीबन 450 कैदियों ने इसमें हिस्सा लिया। केंद्रीय जेल में सामूहिक रूप से कैदियों द्वारा पितृ तर्पण का कार्यक्रम किया गया। इसमें उज्जैन से पंडित श्याम पंचोली को बुलाया गया था, जिसमें कैदियों को सामग्री उपलब्ध करवाई गई थी। पितरों का महत्व तो हर व्यक्ति के जीवन में अपना अभूतपूर्व है, क्योंकि पितर के आशीर्वाद से व्यक्ति फूलता फलता है। और जेलों में जो बंदी परिरुद्ध हैं, वो किसी कारणवश या ऐसा उनसे कोई घटना दुर्घटना हो गई जिसके कारण वो आज अपने परिवार के बीच नहीं है, बाहर नहीं है, जो ये 16 श्राद्ध के दिनों में वो अपने पितरों को याद कर सके, उन्हें पूजन कर सके। इसलिए आज केंद्रीय जेल इंदौर में पहली बार जो है पितरों के तर्पण का एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से लगभग 500 बंदियों ने आज अपने पूर्वजों को याद किया और उनके निमित्त पूजा की। ये पहला मौका था जब इंदौर की सेंट्रल जेल में इस तरह का आयोजन रखा गया है। इसके पहले भी इस तरह के आयोजन कर चुकी हैं क्या? इससे पूर्व मेरी पोस्टिंग उज्जैन में थी और हमारे पंडित जी हैं श्याम पंडित जी, इनके साथ में हमने चर्चा करके वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। लगातार 3 सालों तक हमने उज्जैन में किया और मेरी पोस्टिंग अभी यहाँ पे 1 माह पूर्व ही हुई है। तो मैंने बंदियों से चर्चा किया, उनसे पाया, तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कभी भी अपने पितरों के लिए ऐसा पूजन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इन दिनों में वो मोस्टली बाहर नहीं रहते हैं कि वो कर सके। मैंने पंडित जी से चर्चा की कि क्या हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ कर सकते हैं, तो इसलिए आज बंदियों के लिए यहाँ पर हमने पूजन किया। और क्या आगे जो है बंदियों के लिए योजनाएँ लेकर आए हैं क्या कुछ? देखिए, जेल में सर्व धर्म के लोग रहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी के धार्मिक जो भी आयोजन है जो हम कर सकते हैं अपने नियमों के अंतर्गत, वो हम करेंगे। और हर व्यक्ति को यहाँ पे उनके धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का और उनके धार्मिक आयोजनों के लिए जो भी मेरे से मदद होगी वो मैं करूँगी। इन कैदियों को लाइन में बैठाकर पंडित ने मंत्रोच्चार की पूरी विधि विधान से श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम करवाया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के मुताबिक इंदौर की जेल में इस तरह का पहला आयोजन था। इसमें करीब 450 कैदी सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि इसके पहले उज्जैन में रहकर इस तरह के 3 आयोजन करवा चुकी हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कैदी कई साल तक जेल में रहते हैं, जिसके चलते अपने पितरों को श्राद्ध या तर्पण नहीं करवाते, इसके कारण उन्हें दोष लगता है। कैदी भी इस तरह के श्राद्ध कार्यक्रम को अच्छा बताया।